सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो गाइज जो आज की वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नीट पीजी का रिजल्ट आउट हो चुका है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कल ही चेक कर ली होंगी सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, बट नो प्रॉब्लम। सो मेनली जो वीडियो का मोटिव है वो ये बताने के लिए नहीं है कि नीट पीजी का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसका मोटिव है कि अब नीट पीजी का रिजल्ट आउट हो चुका है तो अब आप लोगों का क्या डिसीजन है, आप लोगों को क्या करना है अब इन फ्यूचर। बिकॉज जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अवेलेबल हो रही है, तो उन लोगों को फाइनली अब क्या डिसीजन लेना है। तो वैसे मैं आपको एक नॉर्मल क्राइटेरिया दे देता हूँ कि जो जो रिज़ल्ट आउट हुआ है नीट पीजी का, उसके अंदर जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी अराउंड, मतलब बाहर एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई एम स्टडिंग इन एमबीबीएस अब्रॉड, तो बाहर यदि आपको लोगों को एडमिशन लेना है तो 134 के आसपास, 134 या 140 के आसपास कट ऑफ है, वो है जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी एससी एंड एसटी के लिए आई गेस 120 के अराउंड है। तो जो भी एग्जैक्ट है, जो भी एग्जैक्ट कट ऑफ है, वो शायद एनटीए ने अभी रिलीज़ नहीं किए, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल जो मैंने आप लोगों को बताई है वो मैं इमेज डाल दे रहा हूँ इधर, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो गाइस अराउंड आप ये मान सकते हैं कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का बनता है तो उसके यदि मार्क्स 150 के अराउंड आ रखे हैं तो बाहर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और यदि कोई ओबीसी एससी एसटी का बनता है, देन यदि उसके 120 के अराउंड नंबर आ रखे हैं, देन ही कैन टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। सो गाइज अब आप लोगों को एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो गाइज मेनली ये तो आप लोगों की प्रेफरेंस है, बट नाउ यू हैव नो अदर ऑप्शन अगर आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही है तो। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई अल्टरनेट ऑप्शन होगा एमबीबीएस यदि आप लोगों को करनी है तो। सो अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ कॉलेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, सो फाइनली कल से मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और अब हमारी क्लासेस ऑफलाइन ही चलने वाली है। ऐसा शायद मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। सो दिस वाज इट गाइस, मेनली इस वीडियो को जो टारगेट था शॉर्ट एंड सिंपल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यदि आप लोगों के पास अब गवर्नमेंट सीट का ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन चूज़ फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। सो गाइस यदि आप लोगों को और भी कोई डाउट है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, देन आप लोग मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के सब जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर दूंगा। सो दैट वाज इट गाइस, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड फाइनली हमारा अब जो कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं तो जल्दी ही कॉलेज वाले ब्लॉग्स पे आएंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड दासिफ़दानी।